अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक है? अच्छा जी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा पहला एपिसोड है 9 o'clock टेल्स विद निम्रा। मुझे पैरानॉर्मल में हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। क्या रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन बस पैरानॉर्मल के बारे में पढ़ना या इस जॉनरा की मूवीज़ वगैरह देखना, दैट हैज़ ऑलवेज यू नो इंटरेस्टेड मी। तो मेरा बेसिकली इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आपके साथ ऑथेंटिक जो पैरानॉर्मल वाक़े हैं जो कि मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स के साथ या लोगों के साथ जनरली दुनिया में होते हैं और जो मेरे साथ भी हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। हमारे हर एपिसोड की एक थीम होगी और आज की जो थीम है वो जी रिलेटेड है टैक्सीज से। आपको पता है कि जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अजीब होते हैं, कुछ पैरानॉर्मल भी होते हैं। तो ये जो वाक्य आज मैं आपसे शेयर करूँगी, मेरे अब्बू जो हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भाई कोई आसपास लोगों से बातचीत करें। तो हमारा जो मोहल्ला है उसमें एक बहुत बूढ़े से अंकल रहते हैं, अल्लाह बख्शे, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो अपने जवानी के ज़माने में टैक्सी चलाते थे। तो आपको पता है कि जैसे कराची में ये एक सिस्टम होता है कि शाम के वक्त लोग अपना जो है कुर्सी वगैरह बाहर रख के बैठ जाते हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं हु हैव डन एवरीथिंग इन लाइफ एंड दे आर रिटायर्ड, और वो बातें शातें करते हैं। तो उन्होंने अब्बू को ये वाक्या सुनाया कि आज से कोई ऑलमोस्ट 40 साल पहले की बात है, रात का कोई 12-1 बजे का वक्त था, तो वो किसी सवारी को छोड़ के वापस घर आ रहे थे। अब सड़क कौन सी है ये तो उनको याद नहीं है, लेकिन कोई कराची की ही सड़क थी और आज से इतने साल पहले इतना रात के 12 बजे इवन कराची की सड़कों पे भी रश नहीं होता था। तो उन्होंने अपने सामने सड़क पे बहुत छोटी छोटी, जैसे आप मेरे पीछे लाइट्स देख रहे हैं, उन्होंने वैसी ना छोटी छोटी लाइट्स देखी और ज़ाहिर है उनको एकदम रुकना पड़ा कि ये सड़क के बीच में ये एकदम लाइट्स कहाँ से आ गई। और देखिए, इंसान जो है ना बहुत क्यूरियस होता है, चाहे डर लग भी रहा हो, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ सामने हो रही हो तो मेरा ख्याल है कि हम में से 60-70% लोग तो ज़रूर जाके चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो वो खैर टैक्सी से उतरे, लेकिन शुक्र है कि कहते हैं कि मैंने कुछ पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया, बिकॉज़ काफ़ी सालों से वो टैक्सी चला रहे थे और भाप गए, जाहिर है कि कुछ है, कोई गड़बड़ है। तो क्या देखते हैं कि सड़क के बीच में जैसे कि खिलौने होते हैं, खिलौने के साइज़ के बहुत सारे, एक जो घोड़ा गाड़ियाँ होती हैं वो जा रही थी और उन पे जो है छोटे छोटे लोग बैठे हुए थे और उनके कपड़ों को देख के लग रहा था किसी शादी में जा रहे। औरतें थीं बहुत छोटे साइज़ की, उन्होंने बड़े चमकीले भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और घूंघट डाला हुआ था, मर्द थे, उन्होंने भी इस तरह शादी के कपड़े पहने हुए थे और एक बड़ा ही कोई सुरीला सा जो है म्यूज़िक भी ना बैकग्राउंड में बज रहा था। तो अंकल जो थे वो तो इस सीन को देख के इतने मेस्मराइज्ड, ऐसे स्टिल हो गए ना, कहते हैं कि मैं बस उसको खड़ा हुआ, उस सीन को ना खड़ा हुआ देखता रहा जब तक कि वो पूरी जो एक लाइन जा रही थी वो आगे निकल नहीं गई। फिर उनको एकदम होश सा आया और फिर उनको डर लगना शुरू हुआ जब वो सारा काफ़िला चला गया। खैर, वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठे, आए थे पढ़ते हुए घर पहुँचे। और देखिए, आपको बाद में एहसास होता है कि मैंने क्या देखा। तो बाद में उनको जो है बहुत ज़्यादा एकदम डर लगना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गए और उन्होंने अपनी बीवी के साथ ये वाक़या शेयर किया और इतने सालों के बाद मेरे अब्बू को बताया। फिर उन्हीं अंकल ने एक और वाक़या ये बताया कि मैं एक दफ़ा जा रहा था टैक्सी में कहीं, तो साथ में ग्रीन बेल्ट थी, जंगल था, थोड़ा सा घास फूस उगी हुई थी। तो अंकल ने कहा कि बीच में एक सड़क जाती थी और दोनों साइड्स पे ग्रीन बेल्ट थी। तो एक आदमी अचानक उस घास जो थी उसमें से निकला और उसने बहुत लंबी छलांग मारी और वो दूसरी ग्रीन बेल्ट के अंदर चला गया। और अंकल कहते हैं कि मैं बस देखता देखता रह गया और वो एकदम आनन फानन गायब हो गया। तो खैर, जब आपको पता है कि इंसान का काम इस तरह का हो तो उसको अपने आप को मजबूत भी करना पड़ता है और अपने आप को बहादुर भी बनाना पड़ता है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है किसी भी चीज़ से डरना चाहिए जब तक कि आप उन्हें खामा खां छेड़े नहीं। अच्छा ये तो जी आज के हो गए वाक्य। अब मैं आपको जो है ना एक बहुत अच्छी हॉरर मूवी का रिव्यू दूंगी। डेफिनेटली आपकी अपनी चॉइस है, हर एक की इवन मूवीज़ देखने में भी चॉइस डिफरेंट होती है, लेकिन जो मैंने देखी हैं इसमें मूवीज़ भी होंगी, इसमें सीरीज़ भी हो सकती हैं और मिस्ट्री भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो आज जो मैं आपको जिसका ज़िक्र करूँगी, जिसको मुझे देख के बड़ी एक जो है ना ईरी सी और क्रिंजी सी फीलिंग हुई, वो थी ग्रेट इंडियन 101 टेल्स। ये यूट्यूब पे मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो ये मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने उसको क्लिक किया। तो ये मेरे ख्याल में 2 या 3 एपिसोड्स हैं और जो उसका उन्होंने माहौल एक बनाया है ना, उससे आपको वैसे ही बड़ा एक मज़ा आता है देख के, किस तरह के जी वो गोवा के अंदर उन्होंने इसको सेट किया है कि गोवा का एक घर है, वहाँ कुछ लोग जो हैं एक दायरा बना के बैठे हुए हैं, बीच में मोमबत्तियाँ जल रही हैं, लाइट चली गई है, और फिर आपको पता है कि गोवा में जो लोग हैं वो मछली बहुत शौक़ से खाते हैं, तो एक किचन में एक लेडी हैं वो मछली फ्राई कर रही हैं और सबकी शक्लों पे ना बहुत एक सीरियस सा थोड़ा सा एक क्रिंजी सा एक्सप्रेशन है, और फिर वो लोग बारी बारी जो हैं अपने वाक्य सुनाते हैं। तो छोटी टेल्स हैं, ज़्यादा बड़ी कहानियाँ नहीं हैं, आप इन्जॉय करेंगे। द मूड इज़ वेरी डार्क, द एक्टिंग इज़ वेरी ग्रिम एंड डार्क, और बहुत अच्छा इन एक्टर्स ने काम किया। तो ये जी मेरा पहला एपिसोड था, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में भी मैं हमेशा जो है ढूंढ के आपके लिए ऑथेंटिक जो है हॉरर और पैरानॉर्मल वाक्य लेके आऊँगी, जो कि मेरे अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैं, जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ हुए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।